तो हाय गाइज, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और प्लान बना है नंदी हिल्स का। सनसेट, सनराइज़, ये जो वक्त होता है वहाँ पे देखने लायक होता है। तो बेसिकली सनराइज़ ही है, 2 घंटे का टाइम है, तो देखते हैं चलकर। सी यू देयर। बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस नंदी हिल्स का इतिहास अपने आप में भी कमाल का रहा है। यहाँ जो आप पहाड़ियों को देखते हो सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त, वो एक सोते हुए बुल की तरह, बैल की तरह दिखाई देता है। दूसरी ऐसी मान्यता है कि 1300 साल पहले यहाँ पर नंदी बैल के नाम से एक मूर्ति का स्थापना हुआ था, उसके वजह से भी इसका नाम नंदी हिल्स रखा जाता है। यहाँ से सनराइज या सनसेट को देखते ही बनता है। यही वजह है कि टीपू सुल्तान भी अपनी गर्मियों के समय यहाँ वक्त गुजारा करते थे। हवा इतनी तेज चल रही है और चारों तरफ फॉग ही फॉग है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। मज़ा बहुत आ रहा है। अगर आप बेंगलोर में हैं तो नंदी हिल्स आना बनता ही है, इट इज़ मस्ट, खास करके सनराइज के टाइम पे। 70 किलोमीटर शहर से दूरी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप कहाँ पे रहते हैं शहर में। खाने पीने के ऑप्शंस अंदर ज़्यादा नहीं है, चाय वाय वगैरह ही मिलती, तो खाना पीना खा के आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर 2-4 घंटे तो बिताएंगे, 2-3 घंटे तो फॉर श्योर। ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ बादल आपके चेहरे पे आ रहे हैं, मज़ा ही मज़ा है, तो एक बार तो यहाँ आना बनता ही है।